सरकार में फिर से क्रेडिट की लड़ाई छिड़ गई है। कैंसर अस्पताल उद्घाटन पर सपा मुखिया का निशाना, सपा के अस्पताल के लोकार्पण पर जनता को बधाई और सपा के जनहितकारी कामों में ये भी एक मील का पत्थर है। और भाजपा सरकार सपा के काम का फीता काटने के लिए बनी है, यानी कि अभी जो है उद्घाटन नहीं हुआ है, उद्घाटन होने वाला है आज स्पेंसर हॉस्पिटल का, लेकिन इस पर सियासत गरमाने लगी है। सपा मुखिया ने ट्वीट करके ये आरोप लगाया है और वो ट्वीट भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ट्वीट के जरिए कहा है कि अब सत्ता पक्ष सिर्फ हमारे किए गए कार्यों का फीता काटने में लगी हुई है। सपा के अस्पताल के लोकार्पण पर सबको बधाई भी दी है, तो वहीं इस दौरान तंज भी कसा है और ट्वीट करके ये तंज कसा है। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कैंसर अस्पताल पर ये तंज कसा है, सपा के अस्पताल के लोकार्पण पर जनता को बधाई। वहीं सपा और सरकार में फिर से क्रेडिट की लड़ाई एक बार फिर से छिड़ गई है और इस बार लड़ाई ये कैंसर हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट को लेकर छिड़ी है। कैंसर अस्पताल का क्योंकि आज उद्घाटन करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तो इस पर सपा सुप्रीमो ने तंज कसा है और तंज कसते हुए कहा है कि सपा और कैंसर अस्पताल का उद्घाटन पर सपा मुखिया का ये निशाना और कहा है कि सिर्फ और सिर्फ फीता काटने में लगी हुई है सरकार, सपा के अस्पताल के लोकार्पण पर जनता को बधाई। तो ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं जिस पर तंज कसा है और हॉस्पिटल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिससे लोगों को सहूलियत मिलने वाली है। बहरहाल जिसका भी कार्य हो, जो भी राजनीति हो, लेकिन बावजूद इसके अब लोगों को तो सहूलियत मिलेगी, ये देखने वाली बात है। ये एक अच्छी खबर है कि लोगों को अब ज्यादा सहूलियत मिलने वाली है, लेकिन इस दौरान क्रेडिट लेने की लड़ाई एक बार फिर से छिड़ गई है। सपा और सरकार में फिर से ये क्रेडिट की लड़ाई है। कैंसर अस्पताल उद्घाटन पर सपा मुखिया का ये निशाना है और निशाना साधते हुए कहा है कि सपा के अस्पताल के लोकार्पण पर जनता को बधाई। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि निशाना साधते हुए सिर्फ फीता काटने में हुए सरकार लगी हुई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नरेंद्र यादव जुड़ गए। नरेंद्र यादव, एक बार फिर से सपा और सरकार में ये क्रेडिट लेने की लड़ाई छिड़ गई है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कैंसर इंस्टीट्यूट का आज योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे, लोगों के लिए लोकार्पित किया जाएगा, स्वास्थ्य सेवाएं वहां पे शुरू होंगी, वहीं पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारे समय की ये परियोजना है, सफाइयों की देन है ये परियोजना, और इसका निर्माण पहले ही पूरा हो चुका था, करीब 3 साल लेट हुआ इसकी ओपनिंग करने में। तो इसकी देरी से क्यों ओपनिंग की गई है, तो कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज इसका लोकार्पण करेंगे, तो समाजवादी पार्टी इसको अपना बताते हुए एक बार इस मामले पर राजनीति किया है कि जो परियोजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में अब तक, उसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ सपा शासनकाल के दौरान की परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं और उद्घाटन कर रहे हैं। बीजेपी सरकार का कोई अपना काम नहीं है, प्रदेश में कोई बड़ा काम नहीं किया गया। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर भी ट्वीट किया है और कहा है कि जिस तरीके से 2 साल में हमने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य पूरा कराया था, 3.5 साल बीत जाने के बाद बीजेपी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का काम पूरा नहीं करवाया है, यानी कि इस मामले पर भी अब राजनीति शुरू हो चुकी है। जी, साफ तौर पर देखा जाए नरेंद्र, लड़ाई चाहे किसी की भी हो और चाहे क्रेडिट कोई भी लेना चाहता हो, लेकिन लोगों को सहूलियत मिलेगी इससे। बिल्कुल, 2 फ्लाईओवर का भी आज उद्घाटन होगा और अस्पताल की भी ओपनिंग होगी, इसका भी लोकार्पण होगा, तो राजधानी लखनऊ के साथ ही पूरे प्रदेश के लोगों को इसके लिए सहूलियत मिलेगी। कैंसर इंस्टीट्यूट हो जाने से तमाम मरीज जो बॉम्बे और दिल्ली जाया करते थे, उनका इलाज अब राजधानी लखनऊ में हुआ करेगा, तो उत्तर प्रदेश के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ी उपलब्धि है और सरकार ने इसको शुरू किया है। इसको लेकर जो है जनता में भी काफी इसकी अपेक्षाएं थी, इंतजार किया जा रहा था। वहीं 2 जो फ्लाईओवर निर्माणाधीन थे, इनका भी आज लोकार्पण होगा, तो इससे जो जाम के हालात थे उससे भी राजधानी लखनऊ को निजात मिलेगी। जी नरेंद्र यादव, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।